बच्चे माँ बाप को जोड़े रखते हैं। अगर माँ बाप के बीच मन मुटाव भी हो तो वो बच्चा दूर कर देता है। सालों हो चुके हैं इनके रिश्ते को टूटे हुए, मगर आज भी बच्चों के खातिर डिनर भी करना पड़ता है और मीडिया को देख मुस्कुराना भी पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बेहद ही खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस अमृता के बारे में, अमृता सिंह, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान के बारे में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं अमृता और सैफ की कहानी से आप सभी रूबरू भी हैं। सालों पहले प्यार हुआ, पहली नजर में देखते ही सैफ अमृता को पसंद करने लगे थे और हर किसी से लड़के झगड़ के दोनों ने शादी कर ली। मगर अफसोस, काफी शादी के कुछ सालों के बाद वो प्यार ना जाने कहां गायब हो गया, जो तलाक तक रिश्ते को पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, तलाक भी हो गया और सैफ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मगर अमृता और सैफ के दो बच्चे भी हैं। जी हाँ, एक है सारा अली खान और एक है अब्राहिम। आप सभी जानते हैं कि सारा बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस है, मगर हम यहाँ पर आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे यकीनन जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि तलाक को काफी लंबा समय हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी बेटी सारा के लिए सैफ और अमृता की मुलाकात भी होती है और आज भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिरकार क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए आप हमारी इस खास पेशकश में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि सारा अली खान की वजह से आज भी सैफ अली खान और अमृता के बीच का रिश्ता कायम है। जी हाँ, अमृता और सैफ ने भले ही तलाक ले लिया हो, मगर आज भी अमृता और सैफ एक साथ ही हैं। दरअसल सारा अली खान ने हाल ही में एक ऐसी बात का खुलासा किया है जिसे यकीनन जानने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल आप ये सभी जानते हैं कि एक फिल्म से ही सारा अली खान ने हर किसी के दिल में जगह बना ली थी। सारा अली खान की पहली फिल्म केदारनाथ, जिसने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया, और उसके बाद सिम्बा। सिम्बा में सारा की एक्टिंग हर किसी की जुबान पर रही, मगर ऐसे में सारा अली खान जितनी बेहतर एक्ट्रेस है उतनी बेहतर बेटी भी है। सारा अली खान के पापा सैफ अली खान और उनकी मम्मी अमृता सिंह की प्यार भरी कहानी से आप सभी वाकिफ हैं। सैफ अली खान को कैसे अमृता सिंह से प्यार हो गया था ये हमने आपको कई बारी बताया है, मगर ऐसे में हाल ही में सारा अली खान ने एक चैट शो के दौरान बातों का कुछ ऐसे खुलासा किया जिसे यकीनन जानने के बाद आप सभी जो है हैरान हो जाएंगे। जनाब, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पर कब कौन किससे मिलता है, कब कौन किसका हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो भी होता है वो तो एक नॉर्मल है, मगर जब भी बॉलीवुड में कुछ होता है भाई, वो एकदम हैरान करने वाला होता है। ऐसे में सारा अली खान यहाँ पर एक चैट शो के दौरान ये कहती दिखाई दी है कि भाई मम्मी अमृता और पापा सैफ की मुलाकात कब हुई थी, यानी कि भाई अमृता और सैफ ने कब एक साथ बैठ के डिनर किया था। दरअसल यहाँ पर अमृता के लिए सारा ने कहा कि जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई थी, तब यहाँ पर सैफ अली खान और अमृता ने एक दूजे के साथ डिनर किया था। जी हाँ, ये यकीनन ही एक काफी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि भाई जब तक ये मुंबई में होते हैं तब तक मीडिया इन्हें लगातार फॉलो करती है, मीडिया हर एक इनकी एक्टिविटी पर भी नजर रखती है, मगर जहाँ पर ये दोनों विदेश गए, विदेश जाकर इनकी मुलाकात हुई, तो ऐसे में बेटी सारा खुद ये कहती दिखाई दी कि कहीं ना कहीं मम्मी और पापा आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सारा ने कहा कि मैं और पापा डिनर कर रहे थे, तब उन लोगों ने अमृता को भी वहां पर बुला लिया। सारा ने कहा कि उस वक्त उन्हें काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो कॉलेज जा रही थी
और दोनों पेरेंट्स उन्हें वहां पर प्यार भरे अंदाज में छोड़ भी रहे थे, जो उनके लिए काफी ही खूबसूरत है। बता दें कि सैफ और अमृता लगभग 15 साल पहले ही अलग हो चुके हैं, जहां पर इन दोनों के दो खूबसूरत बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बच्चों के कारण ही माँ बाप की कड़ी अक्सर ही एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और ऐसे में जिस तरह से सारा ने अमृता और सैफ को मिलाया, वो कहीं ना कहीं वाकई ही एक तारीफ काबिल है। अब आपको बता दें कि भले ही सैफ अली खान ने करीना से दूसरी शादी कर ली हो, और शादी के बाद एक बेहद ही क्यूट उनका बेबी भी है जिसका नाम तैमूर है, और तैमूर तो भाई किसी से छुपे नहीं है, भाई तैमूर की फैन फॉलोइंग हर वक्त ही बनी रहती है। तैमूर कहीं भी जाते हैं मीडिया में कैप्चर अपने आप हो जाते हैं, और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से करीना भी सैफ की जिंदगी का हिस्सा है, तो भाई कहीं ना कहीं सारा और इब्राहिम के कारण आज भी सैफ और अमृता एक ही है। यहाँ पर खुद ये चीजें साफ बयां होती देखी गई। विदेश में यू गुपचुप मिलना, बेटी के साथ अपनी एक्स पत्नी के साथ यू डिनर करना, कहीं ना कहीं सवालों को तो उठाता है। दरअसल आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से सारा अली खान ने बताया था कि कब वो लास्ट टाइम अपनी मम्मी अमृता और अपने पापा सैफ अली खान के साथ साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया था। दरअसल जब सारा अली खान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी, तब वहां पर सारा और सैफ अली खान भी थे और अमृता भी मौजूद थी, और यहां पर जब सैफ और सारा यहां पर डिनर कर रहे थे, तब अमृता को बुलाया गया और एक ही टेबल पर अमृता और सारा सालों के बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी रहे, और बेटी के सामने ही दोनों ने एक साथ खाना भी खाया। मानो कहीं ना कहीं रिश्ता तो टूट चुका है, मगर बच्चों ने जो डोर को जोड़ा हुआ है वो कई बारी देखी भी जाती है। जी हाँ, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमृता ने आज तक कभी भी अपने दोनों बच्चों को सैफ से मिलने से इनकार नहीं किया, और करीना के साथ भी सारा अली खान की अच्छी बॉन्डिंग शेयर की जाती है। जनाब, ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, यहाँ पर कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर पुराने रिलेशनशिप भी एक बार ताजा हो जाते हैं और नया नया प्यार भी झट में टूट जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।